हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन रिसर्च यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल से रिलेटिव प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 26 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 26 में से कितना स्कोर किया है, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो PDF का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा, और PDF फाइल के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 26 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द लूज ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाई सम एज ए नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आप सभी लोग लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसके जो है बी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एन नेसेसरी, तो नेसेसरी के पहले जो आर्टिकल आया है एन, यहाँ पे एन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जो है ए आना चाहिए। और ए कैसे आना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जब भी सेंटेंस में आपको आर्टिकल ए और एन में से एक चूज करना है, तो सबसे पहले आप प्रोनंसिएशन देखिए, जिससे पहले आप आर्टिकल यूज कर रहे हैं उसकी आप प्रोनंसिएशन देखिए। मतलब अगर प्रोनंसिएशन जो है वोवेल की आ रही है, मतलब कि स्वर की आ रही है, तो आप उससे पहले जो है एन लगाएंगे। अगर यही प्रोनंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट की आ रही है, मतलब कि व्यंजन की आ रही है, तो इससे पहले आप लगाएंगे ए। और ये कैसे पता करेंगे कि इसकी जो साउंड है, जो प्रोनंसिएशन है, ये वोवेल की है या फिर कॉन्सोनेंट की है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में जो है किसी भी नाउन की साउंड आती है, प्रोनंसिएशन आती है, तो आपको इससे पहले आर्टिकल लगाना है क्या, ये लगाना है एन। अगर यही साउंड या प्रोनंसिएशन जो है का से लेके गा ज्ञानी तक आती है, तो इससे पहले आप आर्टिकल लगाएंगे ए। तो आप सभी लोग याद रखिए, तो यहाँ पे नेसेसरी की जो साउंड है ये आ रही है ना से, तो ये ना जो अक्षर है ये का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आएगा, इसलिए इससे पहले आर्टिकल जो है मैंने ए लगाया है, और यहाँ पे एन नहीं आएगा। एन कब आएगा, जब इसकी जो साउंड है, जो प्रोनंसिएशन की जो साउंड है, ये वोवेल की होगी, मतलब कि छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में होगी, तो इससे पहले आप आर्टिकल लगाएंगे एन। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, जब भी आपको साउंड जो है याद रखना है, प्रोनंसिएशन याद रखना है, कि जो भी प्रोनंसिएशन या फिर साउंड जो है वोवेल की आएगी तो आपको एन लगाना है, और यही कॉन्सोनेंट की आएगी, मतलब व्यंजन की आएगी, तो आपको आर्टिकल ए लगाना है। तो यहाँ पे नेसेसरी से पहले जो एन लिखा है ये गलत है, और यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, तो इसके बी पार्ट में एरर था। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज अ 9:45 बाय माय वॉच। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्वार्टर से पहले ए, ये आर्टिकल ए नहीं आना चाहिए। आर्टिकल ए क्यों नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे जो लिखा है 9:45, ये जो है समय को बता रहा है, मतलब कि टाइम को बता रहा है। तो यहाँ पे ये टाइम को जब बताएगा तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। जब भी सेंटेंस में 9:45 जैसे लिखा है, तो ये जब समय को बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है, तो इससे पहले कभी भी आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका किस पार्ट में एरर है, तो इसके ए पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे ए को आप हटा दीजिए, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गीता डजंट यूजुअली वेयर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है इसके सी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो रिंग दिया है, रिंग अपने आप में जो है सिंगुलर, ये काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल जो है ए और एन यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको ए और एन में से चूज करना है। तो रिंग की जो साउंड है, ये रिंग की साउंड कैसे आ रही है, तो रिंग की साउंड ऐसे आ रही है, मतलब पहला अक्षर जो है ये रा है, रा जो है ये का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आएगा, मतलब इसकी जो साउंड है रिंग की, ये जो है कॉन्सोनेंट की है, मतलब कि व्यंजन की है। तो प्रोनंसिएशन आपको याद रखना है, तो रिंग की जो प्रोनंसिएशन है ये रा से आ रही है,
तो इस वजह से आर्टिकल आपको ए यूज करना है। तो यहाँ पे रिंग से पहले आप आर्टिकल ए यूज करेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके सी पार्ट में एरर था, जब का से लेके गाग्यानी के बीच में आएगी किसी नाउन की साउंड तो आपको जो है आर्टिकल एन यूज करना है, और यही प्रोनाउंसिएशन या साउंड जो है का से लेके गाग्यानी के बीच में आएगी तो इससे पहले आप आर्टिकल ए यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आर रिंग करेक्ट हो जाएगा, इसके सी पार्ट में एरर था। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम, या फिर नो एरर। तो इसमें आप लोग सोच लिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है किस चीज की बात हो रही है, तो पुलिस ने हमसे पूछा कि जिस रात क्राइम हुआ था उस रात आप क्या कर रहे थे, या फिर उस रात तुम क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है उस पर्टिकुलर रात की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर रात की बात हो रही है जिस रात को जो है क्राइम हुआ था। तो पुलिस ने हमसे पूछा कि जिस रात क्राइम या फिर अपराध हुआ था उस रात तुम क्या कर रहे थे। तो पर्टिकुलर किसी रात की बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी नाइट के बारे में बात की जा रही है, तो मतलब यहाँ पे डेफिनेट की बात की गई है। तो डेफिनेट के लिए यहाँ पे जो है नाइट से पहले आप आर्टिकल जो है द यूज करेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी नाइट के बारे में बात की जा रही है जिस नाइट को जो है क्राइम हुआ था, तो पर्टिकुलर के लिए डेफिनेट के लिए आप आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है ये द का यूज करेंगे, ना कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए का। तो यहाँ पे ए हटा देंगे नाइट से पहले और द लगा देंगे, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इस सेंटेंस में क्या बात की गई है। तो सेंटेंस में जो बात की जा रही है कि साइंस में जो क्रेडिट होता है वो उस इंसान को जाता है जो वर्ल्ड को किसी चीज के लिए कन्विंस करता है, ना कि ऐसा होता है कि उस इंसान के लिए कि जो जिसके दिमाग में ये पहले आइडिया आया है। तो यहाँ पे उस इंसान को जाता है जिसने जो है वर्ल्ड को कन्विंस किया है। तो यहाँ पे जो है आ मैन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है द मैन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल इंसान के बारे में बात की जा रही है कि उस इंसान को वो क्रेडिट जाता है जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है। तो पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में बात की जा रही है, ना कि जिसके दिमाग में ये पहली बार आइडिया आया। तो यहाँ पे जो है मैन से पहले आप द आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैन है ये इंडिविजुअल मतलब कि इसको डेफिनेट मतलब कि इसको पर्टिकुलर इसके लिए बात की गई है। तो यहाँ पे मैन से पहले द आएगा, क्योंकि साइंस में जो क्रेडिट है वो उस इंसान को जाता है जो वर्ल्ड को किसी चीज के लिए कन्विंस करता है। तो यहाँ पे जो इंसान है वो इंडिविजुअल है मतलब कि डेफिनेट है, इस वजह से मैन से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। तो इसके जो है ए पार्ट में एरर था, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे ए की जगह आप द कर दीजिए तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज्ड हाउ एक्साइटिंग इट इज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। अभी हाल ही में जो है आईपीएल भी चल रहे हैं और सेंटेंस भी जो है मैच से रिलेटेड है, तो आप लोग जो है इसको रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है जब मैच खत्म हो जाता है तो उसके बाद ही लोग रियलाइज करते हैं कि मैच कितना एक्साइटिंग था। तो यहाँ पे जो है नॉर्मली प्राइमरी सेंस में जो है मैच का यूज किया गया है, मतलब कि हम यहाँ पे जो है मैच को जानते हैं, मतलब कि कोई पर्टिकुलर मैच के बारे में या फिर कोई डेफिनेट मैच के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो है नॉर्मली यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मैच से पहले आर्टिकल द दिया है द नहीं होगा, यहाँ पे ए और एन में से चूज करना है। तो मैच की जो साउंड है, ये मैच की जो साउंड है ये माँ से है, तो यहाँ पे का से लेके गाग्यानी के बीच में आएगा माँ, तो इससे पहले आर्टिकल आप ए लगाएंगे। तो यहाँ पे द की जगह आप जो है ए कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में जो बात की गई है कि जब मैच खत्म होता है उसके बाद ही लोग रियलाइज करते हैं कि मैच कितना एक्साइटिंग था। तो यहाँ पे नॉर्मली हम मैच को जानते हैं, मतलब कि मैच जो है कोई पर्टिकुलर नहीं है, मतलब कि कोई डेफिनेट नहीं है। अगर डेफिनेट नहीं है, अगर पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ पे मैच जो है जनरल सेंस में यूज किया गया है। तो जनरल सेंस में जो है इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं। तो मैच की साउंड जो है ये माँ से है, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है माँ से है, तो का से लेके गाग्यानी के बीच में आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल ए यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, द की जगह आप ए कर दीजिए तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बी पार्ट में एरर था। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, यहाँ पे दो सिस्टर में से जो है शी को बेटर बताया गया है। अगर दो में से एक
का चुनाव करना हो आपको, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, तो यहाँ पे उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे जो है आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल द लगाना होता है, लेकिन हमेशा जो है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको द का यूज करना है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी कभी जो है आपको द लगाना होता है। जब दो में से जो है किसी एक का चुनाव करना होता है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको द का यूज करना है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज द वेटर, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके जो है सी पार्ट में एरर था, तो यहाँ पे बेटर से पहले आप लोग जो है द कर लीजिए, तो यहाँ पे जो है द बेटर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग स्कूल डेज, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है फ्यू के बारे में समझ लीजिए, फ्यू, और यहाँ पे जो है लिख देता हूँ आ फ्यू, और यहाँ पे लिख देता हूँ द फ्यू, तो यहाँ पे तीनों का मतलब आप लोग समझ लीजिए। फ्यू का मतलब होता है एकदम ना के बराबर, किस में, मतलब कि नंबर्स में, मतलब कि संख्या में, मतलब कि ना के बराबर, मतलब कि शून्य है। तो फ्यू का जो यूज करते हैं ये नंबर्स में ना के बराबर के सेंस में करते हैं, मतलब कि शून्य, मतलब कि जीरो के सेंस में। और आफ्यू का मतलब होता है, आफ्यू जो है पॉजिटिव सेंस में करते हैं, जब कुछ संख्या मतलब कि जिसका पता ना हो कि कितनी है, तो यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है वो, लेकिन पता नहीं है कितनी है, मतलब जब कुछ या फिर कुछ भी हिस्सा हो संख्या का, तो यहाँ पे उसमें जो है आप ऑफ यू का यूज करते हैं। जब सेंटेंस में जो है कुछ संख्या दी हो जिसका पता ना हो कितनी है, तो उसमें जो है ऑफ यू यूज करते हैं। और द फ्यू कब यूज करते हैं, तो द फ्यू जो है आप तब यूज करते हैं जब संख्या जो है ये लिमिटेड होती है, मतलब कि किसी चीज में मतलब लिमिटेड है कि वो पता नहीं कब खत्म हो जाए, आज या कल कभी भी खत्म हो सकती है। जब संख्या लिमिटेड हो तो आपको द फ्यू यूज करना है। और ऑफ यू जो है पॉजिटिव सेंस में जो है कुछ के सेंस में होता है, जिसकी संख्या पता ना हो कि कितनी है पर है। और फ्यू का यूज जो है मतलब कि ना के बराबर यूज करते हैं संख्या के रूप में, मतलब कि नंबर्स के रूप में, मतलब कि शून्य, तो फ्यू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है यहाँ पे फ्यू जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फ्यू से पहले आपको जो है द का यूज करना है। द का यूज क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है फ्यू और आ फ्यू और द फ्यू के बारे में। तो यहाँ पे सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो सेंटेंस में उन दोस्तों के बारे में बात हो रही है जो लिमिटेड थे, मतलब कि जो डेफ थे, जो पर्टिकुलर कुछ मित्र थे, जो मतलब कि स्कूल डेज के समय जो दोस्त बना लेते हैं, वे दोस्त जो है निश्चित नाउन है, मतलब कि डेफिनेट हैं। तो इस वजह से यहां पे जो है फ्यू से पहले आपको द यूज करना है। तो यहाँ पे द फ्यू फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो मित्र थे, जो दोस्त थे, वो मतलब कि पर्टिकुलर, मतलब कि डेफिनेट थे, मतलब कि लिमिटेड थे। तो कुछ दोस्त मतलब कि पर्टिकुलर या डेफिनेट थे, तो इस वजह से यहाँ पे द फ्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द फ्यू फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे उन दोस्तों के बारे में बात हो रही है जो स्कूल डेज में, मतलब कि जो लिमिटेड दोस्त थे, जो स्कूल डेज में लोग बना लेते हैं, वे दोस्त जो है ये नाउन जो है निश्चित हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। तो यहाँ पे द फ्यू फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंस जेंटलमैन एट द पार्टी बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम एन एमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेंड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि सेंटेंस में बात की जा रही है कि पार्टी में बहुत सारे जो है इंटेलिजेंस जेंटलमैन थे, बट मिस्टर सुब्रमण्यम जो है एक वही थे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, मतलब कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है एक है। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है डेफिनेट उस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए पर्टिकुलर, मतलब कि एक के लिए यूज किया गया है। तो मिस्टर सुब्रमण्यम जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से पहले आपको जो है आर्टिकल द का यूज करना है, क्योंकि वो डेफिनेट है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि एक है, मतलब मिस्टर सुब्रमण्यम है एक। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से पहले जो है आपको जो है ए नहीं, यहाँ पे द यूज करना है। तो इसके जो है किस पार्ट में एरर है, तो इसके सी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे पार्टी में बहुत सारे इंटेलिजेंस जेंटलमैन थे, बट मिस्टर सुब्रमण्यम जो है एक थे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, मतलब कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है ये डेफिनेट है, मतलब कि पर्टिकुलर है। तो इस वजह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से पहले आपको जो है ए नहीं, यहाँ पे द यूज करना है। तो इसके सी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे एक ही जगह आप द कर दीजिए, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन
विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है हम जो है मिस्टर शर्मा की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सिंगुलर है, मतलब यहाँ पे जो मिस्टर शर्मा है ये सिंगुलर है मतलब कि एक है। तो यहाँ पे जब सेंटेंस में एक की बात हो रही है, मिस्टर शर्मा की बात हो रही है, तो आपको हमेशा याद रखना है तो एंड से जो दो नाउन जुड़े हुए हैं डायरेक्टर और चेयरमैन, तो यहाँ पे एक से पहले केवल शुरुआत में जो नाउन लिखा हुआ है उससे पहले आपको द यूज करना है, दूसरे से पहले आपको द का यूज नहीं करना है। जब सेंटेंस में जो है एक की बात हो रही है, मिस्टर शर्मा के बारे में बात हो रही है जो कि सिंगुलर है, तो आगे आपको जो है एंड से जुड़े हुए दो नाउन से पहले जो पहले वाला नाउन है उससे पहले आपको द लगाना है और दूसरे से पहले आपको द नहीं लगाना है। तो यहाँ पे चेयरमैन से पहले आपको द हटाना है तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है जब सेंटेंस में एक की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे केवल मिस्टर शर्मा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे एक के लिए आपको जो आगे एंड से जुड़े हुए दो नाउन से पहले आपको केवल एक से पहले आपको आर्टिकल द लगाना है शुरुआत वाले से, दूसरे से पहले आपको द हटा देना है। तो यहाँ पे जो है चेयरमैन से पहले आप द हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो जाती, यहाँ पे अगर दो लोगों के बारे में बात की जाती तो आपको जो है डायरेक्टर और चेयरमैन पहले दोनों से पहले आपको द लगाना चाहिए था। यहाँ पे जो है केवल एक के बारे में बात की गई है तो केवल शुरुआत वाले नाउन से पहले आर्टिकल आएगा और दूसरे से पहले मतलब चेयरमैन से पहले द हट जाएगा तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके किस पार्ट में एरर था, तो यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर था, तो यहाँ पे द आप हटा देंगे चेयरमैन से पहले तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन 11, ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो बात हो रही है कि जो ही है, मतलब कि जो ही है वो वेस्ट वर्कर है इस फैक्ट्री का, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब कि दुर्भाग्यवश उसको जो है सबसे कम पेमेंट दी जाती है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो लिटिल है तो लिटिल की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है ये लेस होती है और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ये होती है लीस्ट। तो यहाँ पे लीस्ट लिखा हुआ है सेंटेंस में, लीस्ट लीस्ट जो है लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमेशा आपको जो है आर्टिकल द का यूज करना है। आपको हमेशा मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको हमेशा जो है आपको द लगाना है, क्योंकि जो लीस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो इस वजह से इससे पहले आपको हमेशा द का यूज करना है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज करना है, जैसे यहाँ पे बेस्ट से पहले आपको जो है द का यूज किया गया है, इसी वजह से लिटिल का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ये लिस्ट होता है, तो इससे पहले भी आप द लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके जो है सी पार्ट में एरर था, तो यहाँ पे लिस्ट से पहले आप द यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 12, ही हैज कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो यूनिक दिया है, यूनिक से पहले जो एन दिया है, यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है ए होना चाहिए, ए क्यों होना चाहिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यूनिक, तो यूनिक की जो प्रोनंसिएशन है, जो साउंड है ये या से आ रही है, मतलब कि यूनिक, तो यहाँ पे जो साउंड है, जो प्रोनंसिएशन है ये यू से आ रही है, मतलब कि या से आ रही है, और यह जो अक्षर है ये ओलम से जो है का से लेके गज्ञानी के बीच में आएगा, तो इस वजह से आर्टिकल जो है ए आएगा। अगर यही साउंड जो है, जो प्रोनंसिएशन है, ये जो है वोवेल की होती, मतलब कि स्वर की होती, मतलब कि छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आता, तो इससे पहले आप लगाते एन। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे व्यंजन की साउंड है, मतलब कि कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल ए यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूनिक की जो साउंड है ये या से है और या जो है का से लेके गज्ञानी के बीच में आएगा, तो इस वजह से इससे पहले आपको आर्टिकल ए यूज करना है। तो यहाँ पे यूनिक से पहले जो लिखा हुआ है एन, तो ये गलत है, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके जो है सी पार्ट में नहीं, यहाँ पे इसके बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे आप जो है एन को हटा दीजिए, ए कर दीजिए, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 13, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसिस, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेट ऑन द फायर, तो यहाँ पे सेट ऑन द फायर नहीं होता है, यहाँ पे सेट ऑन फायर होता है। मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे सेट ऑन फायर होता है। ये सेट ऑन फायर जो है अपने आप में जो है एक फ्रेज है, तो यहाँ पे फ्रेज दिया है, तो यहाँ पे फ्रेज को आप गलत नहीं लिख सकते हैं। तो सेट ऑन फायर होता है, तो सेट ऑन द फायर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे सेट ऑन फायर
फायर अपने आप में एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कि आग लगाना। तो यहाँ पे जब आग लगाने के बारे में बात की गई है, सेट ऑन फायर के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे द नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये अपने आप में जो है एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है आग लगाना। तो यहाँ पे सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगाना, तो यहाँ पे सेट ऑन फायर अपने आप में फ्रेज है तो इस वजह से यहाँ पे द नहीं होगा। तो इसके जो है इसके बी पार्ट मिरर है, आप द को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पसेस्ड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो नॉलेज दिया है, नॉलेज अपने आप में जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा आपको जो है लिटिल यूज करना है और ना कि फ्यू। आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप फ्यू यूज नहीं करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से पहले। आप सभी लोग ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लिटिल का यूज कब करते हैं हम। तो लिटिल का यूज जो है एकदम ना के बराबर, मतलब कि शून्य के सेंस में यूज करते हैं और ये भी मात्रा के सेंस में। तो यहाँ पे फ्यू का यूज करते हैं नंबर के सेंस में और यहाँ पे लिटिल का यूज करते हैं मात्रा के सेंस में। तो यहाँ पे लिटिल का यूज जो है मतलब कि ना के बराबर, मतलब कि शून्य। और यहाँ पे अ लिटिल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, मतलब कि थोड़ा सा, मतलब ये पता नहीं है कि कितना, लेकिन पॉजिटिव सेंस में आप जो है कुछ या थोड़ा के सेंस में अ लिटिल का यूज करते हैं। और द लिटिल का यूज कब करते हैं, तो द लिटिल का यूज जो है लिमिटेड नॉलेज के लिए करते हैं, मतलब कि जो आज है कल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिटिल नहीं, यहाँ पे जो है द लिटिल यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसकी लिमिटेड नॉलेज के बारे में बात की गई है। तब उसके लिमिटेड नॉलेज के बारे में बात की जाए तो आपको जो है हमेशा आपको यूज करना है द लिटिल। तो यहाँ पे जो है दवा का जो उसके पास जो थोड़ा सा ज्ञान था, जो लिमिटेड उसके पास जो ज्ञान था, उसके जो पास ज्ञान था लिमिटेड, तो उसके लिए जो है एक वरदान साबित हुआ जब वो दर्द में था। तो यहाँ पे द लिटिल होगा क्योंकि उसके पास जो लिमिटेड नॉलेज थी वो जो है काम आई जब वो बहुत दर्द में था। तो इस वजह से यहाँ पे लिटिल नहीं, यहाँ पे द लिटिल होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है नॉलेज से पहले आप द लिटिल कर दीजिए तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है ए पार्ट में एरर है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक दिया है, मिस्टेक अपने आप में जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मिस्टेक अपने आप में जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल जो ए दिया है इसको आप हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे मिस्टेक अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ए हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बी पार्ट में एरर है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लिप्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन आर डेंजर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो डेंजर दिया है, तो डेंजर मतलब खतरा, तो यहाँ पे डेंजर अपने आप में जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले आर्टिकल आप यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डेंजर अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहाँ पे इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसमें ए हटा दीजिए तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके सी पार्ट में एरर है, ए हटा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो दिया है टू टेक हार्ट, तो यहाँ पे टू टेक हार्ट दिया है तो यहाँ पे द नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टू टेक हार्ट जो है अपने आप में एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है आशावादी होना। तो यहाँ पे टू टेक हार्ट अपने आप में फ्रेज है जिसका अर्थ होता है आशावादी होना। तो यहाँ पे द को आप हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। टू टेक हार्ट मतलब होता है एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है आशावादी होना। तो इसके बी पार्ट में एरर है, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे यूनियन जो हो रहा है ये किसका हो रहा है, तो यहाँ पे यूनियन जो है अ डेफ मैन और अ ब्लाइंड वुमन का हो रहा है, मतलब कि एक निश्चित है, मतलब कि डेफिनेट है। तो पर्टिकुलर अ डेफ मैन और अ ब्लाइंड वुमन का हो रहा है, तो यहाँ पे यूनियन से पहले जो है आप केवल द यूज करेंगे ना कि ए। तो यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर है, आप ए को हटा देंगे, द यूज करेंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यूनियन जो है आर डेफ मैन और ब्लाइंड वुमेन का हो रहा है, मतलब कि डेफिनेट है। तो इस वजह से यहाँ पे डेफिनेट या पर्टिकुलर के लिए यूनियन से पहले आप द यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, ए को हटा देंगे, द करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो
टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। मतलब कि जॉन ने अपने गांव के स्टूडेंट्स को जो है ये सजेशन दिया कि वो रोज स्कूल जाया करें और अपना होमवर्क जो है सिंसियरली किया करें। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है स्कूल में जो है पढ़ने की बात की गई है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई के लिए सेंस में यूज़ किया गया है तो इससे पहले कभी भी आर्टिकल आपको द यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है स्कूल में पढ़ने की बात की गई है, जब स्कूल का यूज़ जो है पढ़ाई के सेंस में किया जाए तो आपको इससे पहले आर्टिकल नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसके जो है इसके सी पार्ट मिरर है, स्कूल से पहले आप द हटा देंगे आर्टिकल तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो सी लिव्स अलोन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। जब यहाँ पे जेल का यूज किया गया है, जब जेल का अर्थ जो है पनिशमेंट मतलब कि सजा के सेंस में किया जाए तो इससे पहले कभी भी आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, ये आप लोग याद रखिएगा। जब प्राइमरी सेंस में आपको यूज करना हो जेल का यूज तो आपको इससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। जब सेकेंडरी सेंस में आप यूज करें जेल का यूज तो आप इससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है प्यूपल को मतलब उसके हस्बैंड को जो है मतलब कि जेल में है तो वो जो है जो पत्नी है उसकी वो अकेलापन महसूस करती है। तो इस वजह से यहाँ पे जेल में जब ये ना बताया गया हो कि जेल में वो किस कारण से सजा काट रहा है, तो जब ना ये बताया गया हो तो हम जो है प्राइमरी सेंस में यूज करते हैं। और प्राइमरी सेंस में मैंने आपको क्या बताया, तो यहाँ पे जेल जो है जेल का अर्थ जो है यहाँ पे पनिशमेंट मतलब की सजा से है, तो इस वजह से यहाँ पे जेल से पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी सेंस में यूज किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पे द हटा देंगे जेल से पहले तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है बी पार्ट में एरर है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रीक पीपल्स आर कंसीडर्ड वेरी ब्रेव। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं पीपल और यहां पे लिख देता हूं मैं यहां पे पीपल और यहां पे लिख देता हूं पीपल्स। तो मैं दोनों का आपको अर्थ समझा देता हूं। तो यहां पे पीपल का मतलब होता है लोग मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्संस। तो यहां पे इसका अर्थ होता है लोग मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्संस। और पीपल्स का अर्थ क्या होता है, तो पीपल्स का जो अर्थ होता है ये होता है विभिन्न नस्ल के लोग मतलब कि विभिन्न नस्ल के लोग मतलब कि पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। विभिन्न नस्ल के लोगों के लिए जो है पीपल्स का यूज करते हैं मतलब कि पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस के लिए जो है पीपल्स का यूज करते हैं। और पीपल जो होता है ये होता है ग्रुप ऑफ पर्संस मतलब कि लोग। तो यहाँ पे बात की गई है ग्रीक के लोगों के बारे में, यहाँ पे जो दिया है द ग्रीक, तो द ग्रीक का जो यहाँ पे अर्थ है ये पर्टिकुलर किसी ग्रुप के बारे में बात की गई है। तो जब पर्टिकुलर किसी ग्रुप के बारे में बात की जाती है तो यहाँ पे पीपल यूज करेंगे ना कि पीपल्स, क्योंकि पीपल्स का यूज जो है पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस के बारे में बात की जाती है मतलब कि विभिन्न नस्ल के लोगों के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे द ग्रीक का मतलब जो है ये आप पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में है मतलब कि लोगों के बारे में है, तो इस वजह से यहाँ पे पीपल्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे पीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे द ग्रीक पीपल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें जो है आप पीपल्स की जगह पीपल कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ए पार्ट में इसके एरर है तो आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिए। पीपल का अर्थ होता है लोग मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्संस, और पीपल्स का जो अर्थ होता है ये होता है विभिन्न नस्ल के लोग मतलब कि पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। तो यहाँ पे पीपल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पीपल्स की जगह। तो इसके ए पार्ट में एरर है क्योंकि द ग्रीक का जो अर्थ है आप पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में है, तो इस वजह से यहाँ पे पीपल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेंपल एवरी मॉर्निंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस में जब ये पता ना हो कि टेंपल वो किस कारण से गया है तो यहाँ पे इसको जो है प्राइमरी सेंस में आप प्राइमरी पर्पज में यूज करेंगे, तो प्राइमरी पर्पज के लिए आप हमेशा जो है टेंपल से पहले द यूज नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी टेंपल हॉस्पिटल चर्च मॉस्क जेल या फिर प्रिजन से पहले कभी भी आपको द का यूज नहीं करना है जब इसका यूज जो है प्राइमरी सेंस में किया जाए। मतलब कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का यूज जो है एजुकेशन के लिए किया जाए तो इससे पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पहले आपको द नहीं लगाना है। जब इन तीनों का यूज जो है एजुकेशन के पर्पज से किया जाए तो आपको द यूज नहीं करना है। और टेम्पल चर्च मॉस्क
का यूज़ जो है ये वर्शिप के लिए किया जाए, मतलब कि पूजा करने के सेंस में किया जाए, तो इन तीनों से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। और हॉस्पिटल का यूज़ जो है ये ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, तो इस सेंस में भी हॉस्पिटल से पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। और जेल और प्रिजन से पहले जो है द क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका यूज़ जब पनिशमेंट के लिए किया जाता है, सजा के सेंस में किया जाता है, तो इससे पहले भी आपको द का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी सेंस में करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे टेम्पल का से पहले द हटा देंगे। इसके सी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे जो है आप द हटा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ लिटिल, और यहाँ पे लिटिल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लिटिल, और यहाँ पे जो है आ लिटिल लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल लिख दिया है। तो यहाँ पे लिटिल का यूज़ जो है मात्रा के सेंस में करते हैं हम लोग, जो है मात्रा के सेंस में करते हैं। और यहाँ पे लिटिल का यूज़ जो है ना के बराबर करते हैं, मतलब कि एकदम ना के बराबर, मतलब कि शून्य। और यहाँ पे आ लिटिल का यूज़ कब करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा के सेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंस में। आप सभी लोग याद रखिएगा, पॉजिटिव सेंस में करते हैं। और ये मुझे पता नहीं है कि कितना है, लेकिन है कुछ ना कुछ है, तो इस वजह से यहाँ पे आ लिटिल यूज़ करते हैं। और द लिटिल कहाँ यूज़ करते हैं, तो द लिटिल तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ लिमिटेड है, जब कोई चीज़ लिमिटेड है तो वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो उस सेंस में आप द लिटिल यूज़ करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में कितना मिल्क है ये मुझे पता नहीं है, मतलब कि है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे आ लिटिल यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिटिल की जगह आ लिटिल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के जो ए पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे लिटिल को हटा दीजिए, आ लिटिल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ही लीड्स अ वेरी लग्जूरियस लाइफ सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाई अ कार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो जब भी सेंटेंस में आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, मतलब कि यातायात के साधन मिल जाते हैं, यातायात करने के साधन आपको जैसे मिल जाते हैं, यहाँ पे दिया है बाई अ कार, तो यहाँ पे जैसे दिया है बाई अ कार, तो यहाँ पे आ कार यहाँ पे जो दिया है ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल ए एन द का यूज नहीं करेंगे। जब भी सेंटेंस में जो है आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि यातायात करने के साधन मिल जाते हैं, तो जब भी जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो की कोई भी फॉर्म लिखी हो, या फिर कम लिखा हो यहाँ पे, या फिर आपको ट्रेवल लिखा हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेवल, तो यहाँ पे जब भी गो लिखा हो, कम लिखा हो, ट्रेवल लिखा हो, या फिर अराइव लिखा हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अराइव लिखा हो, तो इसके बाद आपको कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है, मतलब कि यातायात करने का साधन लिखा हुआ है, जैसे बाई कार लिखा हुआ है, बाई बस लिखा हुआ है, तो बाई और कार के पहले जो दिया है आर्टिकल इस बीच में, तो यहाँ पे ए एन द का यूज़ नहीं करेंगे आप हमेशा। आप लोग ये याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया है गो, कम या ट्रेवल, या फिर अराइव दिया हो, तो कभी भी यहाँ पे जैसे गो की जो है यहाँ पे गोज दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे बाई कार होगा, ना कि बाई आ कार। यहाँ पे कार से पहले ए एन द कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा, जब सेंटेंस में आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, यातायात करने का साधन मिल जाता है, तो उससे पहले बाई के बाद और उस जो साधन है यातायात का, उससे पहले नहीं यूज करेंगे कोई भी आर्टिकल। आप सभी लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, थैंक्स टू एन एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स द विक्टिम्स ऑफ द ब्लास्ट हैव बीन एबल टू स्टार्ट अ नॉर्मल लाइफ अगेन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो एफर्ट दिया है, एफर्ट जो है अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले मैंने आपको बताया ए एन कभी भी आपको यूज नहीं करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एन एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर के बारे में बात की गई है, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर डॉक्टर्स का एफर्ट्स के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जब किसी पर्टिकुलर के सेंस में किया जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज, तो उससे पहले आपको जो है आर्टिकल या क्या यूज करेंगे, तो उससे पहले आर्टिकल जो है एन नहीं, आप द यूज करेंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स, मतलब कि डॉक्टर्स का जो एफर्ट है, जो परसिस्टेंस है, तो इस बारे में डॉक्टर्स का पर्टिकुलर बात की गई है, तो इस वजह से यहाँ पे एफर्ट से पहले जो है द का यूज करेंगे। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, तो उससे पहले आपको जो है द का यूज करना है। तो यहाँ पे आप जो है एफर्ट से पहले आप द यूज करेंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके एक पार्ट में एरर था। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इन अ आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे शुरुआत में जो दिया है आर,
तो यहाँ पे शुरुआत में दिया है R, तो इससे पहले यहाँ पे जो है A दिया है, और R की जो साउंड है ये आ से आ रही है, तो यहाँ पे H साइलेंट रहता है, आप सभी को पता होगा, तो यहाँ पे आ से आ रही है, तो R की जो साउंड है ये जो है कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वोवेल है, मतलब कि छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है एन होना चाहिए ना कि ए, तो यहाँ पे ए हटा दीजिए और यहाँ पे एन कर दीजिए, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके ए पार्ट में एरर है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 26 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।